हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां पे जाके भी देख सकते हैं। और गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज डी, फॉर्मिक एसिड। सो गाइस, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, एंड द ऑप्शंस आर ए विनेगर सोप, बी ग्रेप्स लाइम वाटर, सी कर्ड विनेगर एंड डी कर्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कर्ड एंड विनेगर। सो गाइस, कर्ड एंड विनेगर आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन्स एसिड्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर ए कर्ड, बी सोप, सी एप्पल एंड डी लाइम। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं किसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कर्ड। सो गाइस, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग ऑफ एन एंट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विद, एंड द ऑप्शंस आर ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम क्लोराइड एंड डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो गाइस, द इफेक्ट ऑफ स्टिंग ऑफ एन एंट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विंडो क्लीनर, एंड द ऑप्शंस आर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो गाइस, द केमिकल नेम ऑफ विंडो क्लीनर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। बेसिस आर डैश इन टेस्ट, एंड द ऑप्शंस आर ए सोर, बी सॉल्टी, सी बिटर एंड डी स्वीट। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी बिटर।
सो गाइस बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल एंड द ऑप्शंस आर ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड एंड डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सल्फ्यूरिक एसिड। सो गाइस द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड द ऑप्शंस आर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो गाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज मेटल्स कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड, एंड द ऑप्शंस आर ए सोडियम, बी कॉपर, सी आयरन एंड डी कैल्शियम। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी कॉपर। सो गाइस कॉपर इज अ मेटल व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बी कार्बोनेट एंड द ऑप्शंस आर ए बेकिंग सोडा, बी कास्टिक सोडा, सी फिटकरी एंड डी ब्लू विट्रियोल। तो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बेकिंग सोडा। सो गाइज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बी कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड द ऑप्शंस आर ए Na2SO4, बी CuSO4, सी NaCl एंड डी NH4Cl। तो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी NaCl। सो गाइस द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज NaCl। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट कलर डज मिथाइल ऑरेंज हैज इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड द ऑप्शंस आर ए येलो, बी रेड, सी पिंक एंड डी ब्लू। तो गाइज अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी रेड। सो गाइज मिथाइल ऑरेंज हैज रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। विच बेस विल यू टेक एज मेडिसिन इफ यू आर हैविंग अ स्टमक एक ड्यू टू इनडाइजेशन एंड द ऑप्शंस आर ए NH4OH, बी CaOH का होल ट्वाइस, सी
NaOH एंड DMGOH का होल ट्वाइस। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप इसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज DMGOH का होल ट्वाइस। सो गाइस MGOH होल ट्वाइस इज द बेस विच वी टेक एज मेडिसिन इफ वी आर हैविंग अ स्टमक एक ड्यू टू इनडाइजेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड एंड द ऑप्शंस आर ए हाइड्रोजन, बी आर्गन, सी नियॉन एंड डी हीलियम। तो दोस्तों जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हाइड्रोजन। सो गाइस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड एंड द ऑप्शंस आर ए ऐड वाटर टू एसिड, बी मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, सी ऐड एसिड टू वाटर एंड डी नन ऑफ दीज। तो गाइज अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऐड एसिड टू वाटर। सो गाइज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड इज एड एसिड टू वॉटर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हेयर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज एंड द ऑप्शन आर ए जी ओ एच, बी एन ए ओ एच, सी एल ओ एच थ्री, बी सी यू ओ एच टू। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 7th क्लास की वीडियो मोशन एंड टाइम में मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।